Hello friends, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ क्रिस्पी विंग्स की रेसिपी और ये वो रेसिपी है मैं यकीन से कहती हूँ जब एक बार आप लोग इसको खुद ट्राई करेंगे तो आपके एफ सी को भूल जाएंगे बहुत जबरदस्त ये बनकर तैयार होते हैं वीडियो में मैं आपसे बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना पूरा देखना है तो टाइम को जाया किए बगैर बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने विंग्स लिए हैं और इस तरह के विंग्स जो है मुझे मिले हैं अगर आपको इस तरह के मिले तो बेस्ट है क्योंकि इसकी कटिंग जो है

और यहाँ पे पानी लेना है एक से डेढ़ गिलास ब्रैंडिंग क्या होती है बेसिकली ये भी एक तरह की मैरिनेशन ही है जिसमें हम नमक और सिरका लगा के पानी में इसको डिप करके रखते हैं गोश्त को उससे ये होता है नंबर एक गोश्त जो है बहुत अच्छी तरह साफ हो जाता है किसी भी तरह का मीट है वो बिल्कुल साफ हो जाता है खास तौर पर चिकन नंबर दो जब हम इसको फ्राई करेंगे स्पाइसेस वगैरह लगाने के बाद तब एक तो ये बहुत कम टाइम में फ्राई हो जाएगा दूसरा ये बहुत जूसी रहेगा ये खुश्क नहीं रहेगा तो ये स्टेप जरूर करें मेरी रिकमेंडेशन है अगर नहीं भी करते तब आप इस स्टेप को स्किप कर दें आधा घंटा हो चुका है और ये मैं आपको चेक करवाती हूँ ये पानी देखें कितना पिंक सा हो गया क्योंकि विंग्स का जितना ब्लड है वो सारा पानी में आ चुका है अब दोबारा हम इसको साफ पानी में अच्छी तरह धो लेते हैं ये चिकन को मैंने अच्छी तरह साफ पानी में धो लिया है और यहाँ पे इसको चेक करें ये काफी सफेद सा हो चुका है बहुत ज्यादा क्लीन हो चुका है अब अगला स्टेप जो है इसमें स्पाइसेस शामिल करने का है यहाँ पे जो मेन है कि हमें के वाले जो विंग्स हैं क्यों इतने डिफरेंट लगते हैं सारा कमाल जो है मिसालों का होता है और वो कौन से मसाले इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले हमने यहाँ पे शामिल करनी है दही दही जो है बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए और पानी नहीं होना चाहिए तीन चम्मच दही है यहाँ पर अब यहाँ पे नमक शामिल कर रही हूँ एक टी स्पून एक टी स्पून ही इनफ है क्योंकि ब्रेनिंग में भी हमने नमक डाला था और वो भी काफी हद तक जो चिकन है इसने एब्जॉर्ब किया है तो नमक यहाँ पे थोड़ा ही शामिल करना है एक टीस्पून काली मिर्च का पाउडर एक टीस्पून स्पून कुटा धनिया एक टीस्पून स्पून लहसन पाउडर एक टीस्पून अदरक पाउडर अदरक और लहसन का पाउडर नहीं है तब यहाँ पे अदरक और लहसन का पेस्ट एक टेबलस्पून शामिल करना है और साथ ही यहाँ पे शामिल करना है मस्टर्ड पेस्ट जो कि एक टेबल स्पून है ये बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आपके पास नहीं है तो इसको स्किप कर दें और साथ ही यहाँ पे शामिल करना है लाल मिर्च पाउडर एक टी स्पून अब बस यही मिसाले ही हमने यहाँ पे शामिल करने हैं और अच्छी तरह इसको मिक्स करना है ताकि जो मिसाले हैं वो चिकन के साथ अच्छी तरह कोट हो जाए दही जो है बिल्कुल गाढ़ा ही इस्तेमाल करना है पानी वाला इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि अगर पानी वाला दही होगा तो यहाँ पे जो कोटिंग है वो चिकन से उतर जाएगी अब यहाँ पे इसको कवर करना है और कवर करने के बाद इसको आधा घंटा लाजमी आपने देना है वरना एक से दो घंटे परफेक्ट हैं लेकिन अगर जल्दी भी है तब भी आधा घंटा तो जरूर ही इसको मैरिनेट यहाँ पे करना है चिकन जो है हमारा मैरिनेट होता है हम बाकी तैयारी कर लेते हैं यहाँ पे एक बड़े बाउल में मैंने मैदा लिया है दो कप मैदा है ये इसमें शामिल करना है वन फोर्थ टी नमक वन फोर्थ टी स्पून पेपरिका पाउडर वन फोर्थ टी लहसुन पाउडर वन फोर्थ टी अदरक पाउडर और वन फोर्थ टी स्पून ही जाएगा यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर बस यही मिसाले हमने यहाँ पे शामिल कर रहे हैं अच्छी तरह इनको मैदे में मिक्स कर लेना है अगर लहसन और अदरक पाउडर नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें यहाँ पे लेकिन जो फ्लेवर है क्रिस्पी चिकन का वो लहसन के पाउडर का और अदरक पाउडर का जो हम मैदे में शामिल करते हैं उससे बहुत अच्छा आता है आधा घंटा हो चुका है अब कोटिंग करते हैं फर्स्ट कोटिंग जो है यहाँ से हम खुश्क मैदे से कर रहे हैं अच्छी तरह से इसको लगा देना है और फिर इसके बाद इसको शामिल करना है पानी में बॉल में मैंने सादा पानी ही लिया है कोई ठंडा पानी नहीं है नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है ये पानी से ये पीसेस निकालने के बाद दोबारा से इनको आटे में डिप करना है अब ये स्टेप जो है ये बहुत अहम है इस स्टेप से ही हमारे जो क्रिस्पी चिकन है क्रिस्पी विंग्स हैं, उनके जो क्रम्स हैं वो बनेंगे करना क्या है जो आटा है उसके अंदर जो चिकन के पीसेस हैं, इनको क्या करना है आपने अंदर तक कवर कर देना है कोशिश रहे कि उंगलियां जो आपकी डायरेक्ट विंग्स को टच ना करें दरमियान में जो खुश्क आटा है लाजमी होना चाहिए इस तरह से हमने मसल मसल के हमने इसको मिक्स करना है यही चीज जो है क्रम्स बनाएगी ये स्टेप आपको नजर आ रहा होगा कि मैं किस तरह से कर रही हूँ क्रम्स बनाने के लिए आटा जो है ये काफी मिकदार में ही आपने लेना है तभी आपके जो अच्छे से क्रम्स है वो बनेंगे अच्छी तरह से मैंने इसको मसल लिया है अब क्या करना है अब इसको झटकना है जितना एक्सेसिव मैदा है वो यहाँ पे उतरना चाहिए तो इसी के साथ ही जो क्रम्स है वो वाजे होके सामने आएंगे और ये चेक करें ये क्रम्स जो है हमारे बन चुके हैं करना क्या है दूसरी तरफ पैन में ऑयल जो है मैंने मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दे दिया है फौरन ही यहाँ पे हमने इसकी कोटिंग करनी है और फौरन कोटिंग करने के बाद ही इनको गर्म ऑयल में शामिल करना है पॉइंट ये है कि कोट करने के बाद आपने इसको रखना नहीं है वरना जो क्रम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे दूसरा पीस ये भी मैं आपको चेक करवा रही हूँ अब जितना ज्यादा झटकेंगे, उतने ही इसके क्रम्स खुल के सामने आएंगे तो बस फौरन से अब इसको शामिल करते हैं गर्म तेल में ताकि जो क्रम्स हैं, इनकी यही वाली जो शक्ल है वो कायम रहे ऑयल जो है यहाँ पे मैंने गहरे बर्तन में ही लिया है और ये पिक डाल के इसका टेम्परेचर हमने लाजमी देखना है जैसे ही पे बबल्सा तो इसमें शामिल करने का अब आपने कितनी रखनी है इतना ऑयल को गर्म करने के बाद आँच जो है वो मीडियम लो है मीडियम पर भी नहीं है मीडियम लो आँच पे हमने जो चिकन के पीसेस है इनको यहाँ पे फ्राई करना है तेल जो है अच्छा खासा गर्म है और चिकन के पीसेस जाते साथ ही उसके जो क्रम्स है वो सेट हो जाएंगे एक मिनट इसकी एक साइड को पकाना है एक मिनट के बाद ही इनकी साइड्स को चेंज करना है जब आपको यकीन हो जाए कि जो क्रम्स हैं जो मैदा है वो अच्छी तरह ऊपर से पक चुका है और साइड चेंज करने से क्रम्स वगैरह उतरेंगे नहीं इस तरीके से क्रिस्पी चिकन है विंग्स हैं इनको फ्राई करना है कि ऑयल में वो पूरे पूरे डिप होने चाहिए तभी आपका जो क्रिस्पी चिकन है वो परफेक्ट तरीके का फ्राई होगा तो हमारे क्रिस्पी जो विंग्स है इनको फ्राई होते हुए 12 मिनट हो चुके हैं और 12 मिनट के बाद मैं आपको इनकी चक शक्ल चेक करवाती हूँ ये चेक करें काफी अच्छी तरह ये फ्राई हो चुके हैं इनफ है 10 से 12 मिनट ही इनफ है इनको फ्राई करने के लिए क्योंकि हमने जो पहले ब्राइनिंग करके रखी थी उससे चिकन जो है वो काफी नरम हो चुका था इनको ऑयल से बाहर निकालते हैं इनके क्रम्स चेक करें इनकी लेयर्स चेक करें बिल्कुल के स्टाइल वाले विंग्स जो है आज हमने वो ट्राई किए हैं मज़ेदार से क्रिस्पी से ये विंग्स जो है तैयार हो चुके हैं एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि देखें अंदर से ये कितने ज़्यादा जूसी बने हैं और ये चेक करें वाओ यकीन करें इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग क्रिस्पी विंग्स जो हैं वो बाहर से खरीदना छोड़ देंगे और ख़ुद ही घर पे ट्राई करेंगे बहुत परफेक्ट ये बन बनते हैं टेस्ट में ये बहुत कमाल के हैं रिजल्ट आपके सामने हैं यहाँ पे वीडियो का इख्तकाम करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें दुआ याद रखें थैंक यू